तो छठे चरण का रण चल रहा है, यानी कि छठे चरण की वोटिंग चल रही है और उत्तर प्रदेश की 14 सीटों का हाल हम आपको बता रहे हैं। हर तस्वीर न्यूज 18 सबसे पहले आप तक पहुंचा रहा है और इसी कड़ी में एक बड़ी खबर आपको सबसे पहले प्रतापगढ़ से बता दें, जहां पर 7 बूथों पर ईवीएम खराब हुई है। जाजापुर बूथ नंबर 256 पर भी ईवीएम खराब हुई है। विश्वनाथगंज विधानसभा के बोछवा में वीवीपैट खराब हो गई है। आपको ये भी बता दें कि हरिपाल मऊ में भी ईवीएम खराब हुई है। सदर के सोनबरसा बूथ पर भी ईवीएम खराब हुई और बूथ संख्या 313 कोहडौर में भी ईवीएम खराबी की खबर सामने आई। भोलियापुर बूथ पर भी ईवीएम खराब हुई, बूथ संख्या 251। रामनगर में भी ईवीएम खराबी की खबर सामने आई। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि 7 ऐसे बूथ हैं जहां पर ईवीएम खराब हुई, मतदान प्रभावित हुआ और जिसकी वजह से रुकावट मतदान में देखने को मिली और कई जगहों पर तो एक बार भी अभी तक वोट कास्ट नहीं कर पाए हैं लोग। रोहित कुमार हमारे सहयोगी प्रतापगढ़ से जुड़ गए हैं। रोहित, कहां कहां पर ईवीएम खराबी की खबरें सामने आ रही हैं और किस तरह से उन्हें दुरुस्त करने की कोशिश की जा रही है, लेटेस्ट क्या अपडेट है रोहित? अधिकारी की तरफ से तमाम सारी ये दावे जो है किए गए थे कि निर्वाचन को लेकर जो भी व्यवस्थाएं हैं वो सब चाक चौबंद है और सारी व्यवस्थाओं को पूर्ण कर लिया गया है, लिहाजा जो मतदान में कोई भी अवरोध पैदा नहीं होगा। लेकिन जैसे ही 7 बजे से मतदान शुरू हुआ उस दौरान से ये देखा जा रहा है कि प्रतापगढ़ में लगातार जो ईवीएम मशीन है वो खराब हो रही है। अगर बात की जाए रामपुर खास विधानसभा की तलापट्टी जो कि बूथ संख्या 44 है, वहाँ पे ईवीएम मशीन जो है खराब है। हालांकि 45 मिनट बाद इस ईवीएम को जो है ठीक कर लिया गया है, अब मतदान शुरू करा लिया गया है। वहीं विश्वनाथगंज विधानसभा के भुजवा बूथ पर जो है ये खबर आ रही कि वहाँ वीवीपैट जो है खराब हुआ है और अभी तक वहाँ मतदान जो है शुरू नहीं हो सका है। अगर इसी तरीके से बात करें तो रानीगंज के जाजापुर बूथ संख्या 256, हरपाल मऊ रानीगंज के ईवीएम खराब है और बूथ संख्या 251 रामनगर में ईवीएम खराब है। तो तमाम सारे जगह जो है ईवीएम में खराबी की जो है वो सूचनाएं आ रही हैं, खबरें आ रही हैं। अगर बात की जाए तो अभी तक लगभग जो है 8 जगह से ये सूचना मिली है कि यहाँ की ईवीएम मशीन खराब है। वहीं बताया ये भी जा रहा है कि जिला निर्वाचन अधिकारी की टीम ने वहां पर पहुंचकर कम से कम 4 बूथों पे जो है जो ईवीएम की समस्याएं थी उसको जो है दुरुस्त कर लिया है, सही करा लिया है। लेकिन 4 जगह अभी ऐसे बताया जा रहा है कि वहां अभी भी मतदान नहीं शुरू हो सका है, वहां की ईवीएम अभी भी रिप्लेस नहीं हो सकी है, वहां पे अभी टेक्निकल टीम नहीं पहुंची है। तो कहीं ना कहीं लोगों को ये उम्मीद थी कि जैसे ही 7 बजे मतदान शुरू होगा, गर्मी का प्रकोप जो है वो ज्यादा चल रहा है, वैसे ही हम घर से निकलेंगे, बूथों पे पहुंचेंगे और अपना वोट जो है कास्ट करेंगे। लेकिन मशीन खराब होने से जो तमाम सारे मतदाता हैं वो सुबह से वहां पे लाइन पे लगे हुए हैं, उमस भरी गर्मी का वो सामना कर रहे हैं। लेकिन वो वोटिंग को लेकर उनके अंदर काफी जो है उत्साह है, जिसके चलते जो है वो बूथ पे खड़े हैं और वहां की ईवीएम मशीन खराब है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं उनको तमाम परेशानियों का सामना उठाना पड़ रहा है, जो एक उत्साह है वो परेशानियों में जिला प्रशासन के कारण तब्दील हो रहा। ठीक है, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका रोहित कुमार। और छठे चरण के चुनाव में देश भर में 58 सीटों के साथ दिल्ली की सभी 7 सीटों पर वोटिंग जारी है। वोटिंग के पहले ही घंटे में कई दिग्गजों ने वोटिंग की। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने भी वोटिंग की। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने जहां लोगों से वोटिंग करने की अपील की, तो वहीं मतदान केंद्र के बाहर बीजेपी के स्टॉल पर केंद्रीय मंत्री कार्यकर्ताओं के साथ बैठे नजर आए। तो देख सकते हैं आप केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी जब वोटिंग करने के लिए पहुंचे उस दौरान की तस्वीर और उसके बाद बाहर कार्यकर्ताओं के साथ बैठे हुए भी नजर आए। दिल्ली में हरदीप सिंह पुरी ने अपना वोट कास्ट किया है, अपने मत का इस्तेमाल किया है। कोई मुश्किल नहीं है, हमारे 303 ऑलरेडी है और 10% भी हमारी सीटें बढ़ती है तो 333 होती है, 15% बढ़ती है 345, हमारे 37 अलाइज हैं। तो अगर उनमें से आधे के भी 2-3 सीटें आए तो हम 400 के अच्छा आराम से पार करेंगे।
और छठे चरण के मतदान के दौरान अंबेडकर नगर से एक अनोखी तस्वीर सामने आई है। यहां पर टांडा विधानसभा क्षेत्र में 116 साल की बुजुर्ग महिला बग्घी से मतदान करने के लिए पहुंची। इससे पहले परिवार के लोगों ने महिला को तिलक लगाया, बुजुर्ग महिला की गोद में उठाकर बग्घी में बिठाया। बुजुर्ग महिला जिस बग्घी में रवाना हुई उसे काफी सजाया गया था। तो आप ये देखिए, ये कहीं ना कहीं लोकतंत्र के इस महापर्व की खूबसूरती है कि अपने अपने अंदाज में, अलग अलग अंदाज में, ये देखिए बग्घी में बैठकर, जो सजी दजी धजी हुई बग्घी है उसमें बैठकर वोट कास्ट करने के लिए ये वृद्ध महिला गई। और इतने साल बीत जाने के बाद भी जागरूकता में कमी नहीं आई है और अपना वोट कास्ट करना कितना ज़रूरी है ये बखूबी समझती हैं। ये इसीलिए वोट कास्ट करने के लिए परिवार वाले भी पूरे खुशी के साथ और बग्घी में बिठाकर पूरे नाचते गाते हुए पहुंचे। तो तस्वीरें देखिए आप, वृद्ध है महिला काफी ज्यादा, 116 साल की ये महिला है और हर साल बताया जाता है कि इसी तरह से बेहद खुशी मनाते हुए कि एक और साल वो वोटिंग कर रही है, देश के विकास में योगदान दे रही है और देश की सरकार चुनने में खासतौर पर योगदान उनका भी है। ये खुशी मनाते हुए परिवार पहुंचा मतदान केंद्र पर और इसकी एक तस्वीर आपकी स्क्रीन पर है। चलिए सीधा रुख करते हैं, हमारे सहयोगी हमारे साथ अलग अलग जगहों से जुड़ गए हैं। डुमरियागंज से शरद त्रिपाठी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, राजीव सिंह सुल्तानपुर से जुड़े हुए हैं, आजमगढ़ से अलाउद्दीन अयूब, जौनपुर से संकेत मिश्रा, संत कबीरनगर से रामगोपाल द्विवेदी और इसके अलावा हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता भी है प्रमोद मिश्रा जी और सौरभ मालवीय जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, राजनीतिक विश्लेषक। तो सबसे पहले अखिलेश हमारे सहयोगी जो श्रावस्ती से जुड़े हुए हैं उनके पास चलते हैं और लेटेस्ट अपडेट ले लेते हैं कि किस तरह से मतदान चल रहा है। एक बार दिखाइएगा अखिलेश, क्या तस्वीर है मतदान केंद्र पर, कितना उत्साहित मतदाता है, क्या मुद्दे उनके जहन में है, जरा बातचीत भी कीजिएगा। कंचन जी देखिए, देश में लोकतंत्र का महापर्व चल रहा है और इसी तहत मतदान हो रहा है। श्रावस्ती में भी मतदान हो रहा, आप मेरे पीछे देख सकते हैं, मैं इसमें श्रावस्ती जिले के गिलोली बूथ पे मौजूद हूँ। आप देख सकती हैं कि महिलाओं की लंबी लाइन लगी हुई है। ये महिलाएं समझ चुकी हैं कि पहले मतदान होगा, उसके बाद ही जलपान होगा। तो ये जो मतदाता निकले हैं ये अपना वोट कास्ट कर रहे हैं। और अगर श्रावस्ती जिले की बात करें तो यहाँ पर बसपा से दद्दन खान, बीजेपी से साकेत मिश्रा और सपा से राम शिरोमणि वर्मा मैदान में हैं। और यहाँ की अगर सियासी बात करें तो जब 2019 में बीजेपी लहर थी तो उस समय बसपा के जो राम शिरोमणि वर्मा हैं उन्होंने जातिगत समीकरण को साधते हुए यहाँ से सांसद चुने गए थे, लेकिन उन्होंने अब इस बार सपा का दामन थाम लिया है और इस बार सपा से वो सांसद हैं। वहीं बीजेपी से साकेत मिश्रा मैदान में है। तो यहाँ पे सीधी अगर बात की जाए टक्कर की तो यहाँ पे दो जो बीजेपी के कैंडिडेट हैं और जो सपा इंडिया गठबंधन के जो कैंडिडेट हैं उनके बीच में सीधी टक्कर देखी जा रही है। कुछ मतदाता मतदान करने जा रहे हैं, हम उनसे बात कर लेते हैं कि किन मुद्दों को लेके वो मतदान करने जा रहे हैं। इधर क्या नाम है आपका? सियाराम। सियाराम जी, ये बताइए कि किन मुद्दों को लेके मतदान करने जा रहे हैं? देश को लेकर करने जा रहे हैं आप? क्या नाम है आपका? मैराम वर्मा। मैराम जी, किन मुद्दों को लेकर मतदान करने जा रहे हैं? अब देश के हम आगे बढ़ाने के लिए मतदान किन जाते हैं कि हम 5 साल पहले टाइम हो कि हाँ विकास हो समाज में, हम देश में हम। तो इससे पहले बसपा के जो सांसद थे राम शिरोमणि वर्मा, क्या उन्होंने कोई विकास काम किया? क्या अभी कुछ अधूरा रह गया है कुछ? अरे रहे तो किन, अभी सड़क वड़क इनके माध्यम से। चलिए अब अलाउद्दीन के पास चलते हैं, हमारे सहयोगी आजमगढ़ से जुड़े हुए हैं हमारे साथ। अलाउद्दीन, आजमगढ़ एक ऐसी सीट जो पहले तो कह सकते हैं समाजवादी पार्टी के खाते में थी लेकिन बाद में उपचुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी के खाते में आ गई। ऐसे में किस तरह की बातें अभी चल रही हैं लोगों के मन में, क्या क्या मुद्दे जहन में चल रहे हैं जिन्हें लेकर वोट कास्ट किया जा रहा है आजमगढ़ में, जरा बातचीत कीजिएगा और मतदान केंद्र की तस्वीर दिखाइएगा। जी हाँ बिल्कुल, आजमगढ़ में मतदान चल रहा है और आप देखें लंबी लाइन यहाँ पर अभी भी कतारें लगी हुई हैं।
और यही खासियत शायद है। हालांकि 2019 की जब बात करें तो 19 में आजमगढ़ का जो मत प्रतिशत था वो सबसे मैक्सिमम था 56%, लालगंज के 54। इससे पहले जो है फर्स्ट डिवीज़न नंबरों के साथ आजमगढ़ कभी पास नहीं हुआ। इससे पहले डेटा को देखेंगे आप 2009 के 2014 के, वो डेटा 46% और 48% और 53-54% के करीब ही रहा है। दूसरी एक लाइन है महिलाओं की, यहाँ पर भी लोग जो है कतारों में खड़े हुए हैं। तो ये तो पोलिंग स्टेशन का हाल हो गया, सुबह से ही 7 बजे से लोग यहाँ पर लाइनों में हैं। एक व्यक्ति है जो कि मतदान करके आ रहा है, उनसे बात कर लेते हैं। आपका नाम क्या है और आपने मतदान कर दिया है? मेरा नाम अनूप कुमार वर्णवाल है। अनूप जी, आप आजमगढ़ के रहने वाले हैं। जी, किन मुद्दों को ध्यान में देखिए वोट कास्ट किया आपने? देखिए, देश में सबसे गंभीर मुद्दा है एक तो एकता और अखंडता और दूसरा विकास। अगर इन दोनों मुद्दों को हम लोग ध्यान में रख करके वोट डालें तो जो भी सक्षम पार्टी है उसको पूरा देश जानता है। इवन जिसने पूरे देश विदेश में भी जिन्होंने भारत का नाम रोशन किया और मजबूत किया, आज आपकी देखिए सीमा सुरक्षित। एक मुद्दा बार बार उठता है कि रोजगार नहीं, आप रोजगार ढूंढिए ना, रोजगार आपको खुद बनाना पड़ेगा, सरकार थोड़ी ना आपको थाली में परोस को देगी। तो मुद्दा सबसे बड़ा देश का विकास है, सुरक्षा है, सभी लोगों की एकता है, अखंडता है, कहीं कोई द्वेष नहीं होना चाहिए इस मुद्दों पे। हम लोगों ने बिल्कुल भाईचारगी होनी चाहिए, बिल्कुल। ठीक है, हमारे साथ आजमगढ़ से हमारे सहयोगी जुड़े हुए थे, लेकिन हमारे साथ गेस्ट भी लगातार जुड़े हुए हैं। एक जल्दी से रिएक्शन उनका भी ले लेते हैं। प्रमोद जी जुड़े हुए हैं हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से। प्रमोद जी, देखिए आप लगातार कह रहे थे कि नहीं, हवा तो पहले से बीजेपी के पक्ष में है और आखिरी चरण तक ऐसा ही दिख रहा है, लेकिन आपने देखा कि मतदान प्रतिशत भी काफी कम नजर आया। 3 चरणों तक हमने देखा कि वोटिंग परसेंटेज में भारी गिरावट देखी गई। क्या वजह इसके पीछे आप मानते हैं? क्योंकि विपक्ष तो ये आरोप भी लगाता है कि अब लोगों को विश्वास ही नहीं है, लोगों को लोकतंत्र में ही विश्वास नहीं है, इसलिए लोग घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं। आप क्या वजह मानते हैं वोटिंग परसेंटेज में कमी आने के पीछे, प्रमोद जी? नहीं, कहीं कोई इतनी भारी गिरावट जितना आप बता रहे हैं कि भारी गिरावट है, तो पहली बात तो भारी गिरावट नहीं है, कमोबेश लगभग 1-2% का हर चुनाव में रहता है। यहाँ तक कि जो लोग कहते हैं कि जो लोग ऐसा कह रहे हैं, भारी नहीं है गिरावट, लेकिन गिरावट आने के पीछे कोई तो वजह रही होगी, लोगों के जहन में कोई तो बात रही होगी कि लोग अपने घरों से नहीं निकले वोट करने के लिए। नहीं नहीं, तो क्या दें वो, उनके सामने एक दल है जिसको लेकर के चुनाव उनको स्पष्ट है कि नेता स्पष्ट है, नीति स्पष्ट है, नियत स्पष्ट है, दर्शन स्पष्ट है। लेकिन जिस वोटर को लगाव होता है, जिस वोटर को लगाव होता है किसी एक राजनीतिक पार्टी से, वो जरूर जाता है वोट करने के लिए। हाँ, तो जिनको है लगाव वो आ रहे हैं, हमारे वाले तो आ रहे हैं, अब प्रतिपक्ष का भी काम है कि वो लेकर के आवे। दूसरा, मैं ये अभी आप दिखा रही थी, एक माता जी थी 116 वर्ष की अवस्था में, कितना संतोष है, आपको लग सकता है कि उन्होंने किधर मतदान दिया होगा। लेकिन इससे बड़ी बात यह है कि जो मतदान को अधिकार तो है, संवैधानिक अधिकार, लेकिन मतदान हमारा एक राष्ट्रीय कर्तव्य है, ये वो संदेश दे रही है वृद्ध महिला माताजी, कि हमें अपने इस कर्तव्य को सिर्फ अधिकार मान करके इसको पूरा करना है, ऐसा नहीं, ये हमारा राष्ट्रीय कर्तव्य है, ऐसा मानेंगे तो हम सभी इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें, ऐसा मेरा मानना है कि ऐसा मानना चाहिए और प्रतिशत बढ़ने चाहिए, लोगों का मतदान और हो। हमें तो लगता है कि विपक्ष को इस पर काम करना चाहिए कि कैसे हो वो अपने जो निराश हैं उनके सपोर्टर्स। चलिए, वादे और दावे दोनों ही चीजें चल रही हैं, हर कोई जीत को लेकर भी पूरी तरह आश्वस्त है। विपक्ष कहता है कि इस बार बीजेपी के पक्ष में हवा नहीं है, आप कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी आगे। चलिए, अपने अपने दावे, 4 जून को पूरी स्थिति क्लियर हो जाएगी। सौरभ मालवीय जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनके पास मैं जाऊंगी, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा रिएक्शन संत कबीर नगर से ले लेते हैं, रामगोपाल द्विवेदी का। रामगोपाल, जरा दिखाइए एक बार तस्वीर वहां की, किस गति के साथ मतदान अभी तक चल रहा है, क्या कोई रुकावट तो नहीं आई है और कितना उत्साहित है मतदाता? बिल्कुल, अगर हम संत कबीर नगर की बात करें तो यहाँ पे सुबह से ही स्मूथ तरीके से मतदान चल रहा है और जैसे जैसे समय बढ़ रहा है वैसे वैसे ये जो लाइन निश्चित रूप से लगाएगी। कांग्रेस अपनी जमीन खो चुकी है, समाजवादी पार्टी भी अपनी जमीन खो चुकी है, जनता के सामने अब सब कुछ आ गया है कि ये सिर्फ जनता को बहलाने फुसलाने और वरगलाने के अलावा उनके पास कोई काम नहीं है।
तो धन्यवाद। ये नीरज त्रिपाठी है जिनका साफ तौर पर कहना है कि जनता उनके साथ है और इस सीट पर जो लड़ाई है वो एक तरह से दो विचारधाराओं के खिलाफ है, किसी विरासत को लेकर। चलिए अपनी बात पूरी कीजिए। रामगोपाल, आप बता रहे थे कि कितना उत्साहित है मतदाता संत कबीर नगर में। बिल्कुल बिल्कुल, और आप इन लाइनों से ही अंदाजा लगा सकते हैं कि सुबह ये लोग करीब 7:45 बजे से ही लाइनों में लगे हुए हैं और यहीं से इसी तरीके से ये लाइन लगातार करीब मैं 2 घंटे से यहाँ पे देख रहा हूँ, ये लाइन ऐसे ही बनी हुई है, बल्कि ये लाइन लंबी होती जा रही है और जो मतदाता हैं वो अपने वोट कास्ट करके बाहर निकल भी रहे हैं और लगातार वो अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। भाई साहब वोट दे दिया, मुद्दा कह रहा विकास की कुछ और विकास रहा कि कुछ और रहा, विकास ही रहा मुद्दा। माता जी वोटिंग हो गई, वोटिंग हो गई, पर्चा नहीं मिल रहा, तो कुछ समस्याएं आ रही हैं और इसको दूर करने के लिए यहाँ पे प्रशासन भी लगा है, जो राजनीतिक दल के लोग हैं वो भी लगे हुए हैं और मतदान प्रक्रिया संत कबीर नगर में सुचारू रूप से चल रही है, क्योंकि संत कबीर नगर में सबसे बड़ी जो चुनौती है, सबसे बड़ा जो अग्नि परीक्षा है वो संजय निषाद के लिए है, क्योंकि संजय निषाद जो है भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी में शामिल है, उनका निषाद पार्टी है और वो एनडीए के हिस्सा है। तस्वीर हमने देख ली यहाँ पर भी, क्या तस्वीर थी संत कबीर नगर की। चलिए सौरभ मालवीय जी से एक रिएक्शन ले लेते हैं। सौरभ जी, हम देख रहे हैं कि तमाम जो राजनीतिक पार्टियां हैं अपने अपने दावे हैं, अपने अपने वादे हैं और जीत को लेकर आश्वस्त भी हैं, लेकिन आपका विश्लेषण क्या कहता है आज वाली 14 सीटों को लेकर जिन पर आज यूपी में मतदान हो रहा है? देखिए, राजनीतिक दलों के दावे तो स्वाभाविक है और राजनीति में और खास करके लोकतंत्र के इस महापर्व में सबकी भूमिका है और सब जीत के दावे कर रहे हैं, इसलिए मैदान में है, ये तो स्वाभाविक है, लेकिन वास्तव में हकीकत तो 4 तारीख को पता चलेगी। लेकिन हम लोग जो विचार कर रहे हैं, देख रहे हैं और समझने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें स्पष्ट है, साफ दिख रहा है कि देश में चुनाव का मूड क्या है, एक मतलब एक वर्सेस ऑल, एक कहें के तौर से ये विरासत नहीं, ये तो हमेशा मैंने कहा है कि विचारधारा की लड़ाई है। इस विचारधारा की लड़ाई में जो हम लोगों ने जो कार्यक्रम दिया है, जो एक प्रयागराज के लिए जो हमारा ब्लूप्रिंट है कि आखिर प्रयागराज कैसे आगे बढ़े, हम उस पर लोगों के बीच वोट मांग रहे हैं। जो सौतेला व्यवहार जो बीजेपी का रहा प्रयागराज के प्रति, उस पर हम लोगों से कह रहे हैं कि भाई प्रयागराज 10 सालों में आप देखें तो प्रयागराज में हुआ क्या। प्रयागराज आज देश नहीं प्रदेश के अग्रणी शहरों में उसकी गिनती नहीं हो पा रही है। तो मेरा सिर्फ मानना यह है कि जनता भी इन चीजों को समझ चुकी है, ये चुनाव जनता बनाम डबल इंजन की सरकार है। जनता